अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरोज़ ताहिर और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, शौक का कोई मोल नहीं, और आज हम आपको कैसे शौक एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहे हैं जो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक रखता था, जिसका एक ख्वाब जिंदगी का कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूं। लेकिन आप जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट का निज़ाम है, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कल्चर आम हो चुका है, उसके बुनियाद पर आज के नौजवान जिसने दुबई, सऊदी अरब और डिफरेंट अरब ममालिक में जाकर क्रिकेट खेली और मुख्तलिफ अखबार में इनका नाम आया, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ीक अब्बासी साहब की, जिनका ताल्लुक मरीज है। मोहम्मद रफ़ीक अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद रफ़ीक अब्बासी साहब, शौक क्रिकेट का लेकिन काम आज आप मुर्गी की दुकान पर कर रहे हैं, ये किस तरह हुआ? पहले आप माशाल्लाह सऊदी अरब, दुबई, डिफरेंट अरब कंट्रीज़ में जाकर क्रिकेट खेला करते थे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वगैरह किया करते थे, तो ये किस तरह से हुआ कि आप यानी कि मुर्गियों की दुकान पर काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने ज्वाइन किया शहरोज ताहिर भाई। मैंने असल में सऊदी अरब में खेली है 10 साल क्रिकेट। वहाँ पर हमारा जो स्पॉन्सर था सऊदी एयरलाइन का इंजीनियर था, ऑस्ट्रेलियन था, तो वहाँ पे कुछ ऐसे मसला बन गया था। क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जुनून है, अच्छी खेलता था, डोमेस्टिक बहुत अच्छी खेली है, अरब न्यूज़ में भी पिक आई है मेरी, उर्दू न्यूज़ में भी आई है, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरी T20s में 82 और बॉलिंग में है 70 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। तो मसला यूँ है कि वहाँ से जब करेन हादसा हुआ तो मैं था बिन लादन कंपनी में और उनका कंटेक्ट था अमीर सुल्तान के पैलेस में, तो वहाँ से फिर वर्कर को उन्होंने वापस यानी एग्जैक्ट लगाना शुरू कर दिया था, तो उस चक्कर में फिर इधर आ गया। फिर यहाँ के इतने वो मसाइल नहीं थे तो मजबूरी से फिर ये चिकन की दुकान। मुझे ये बताइएगा, सऊदी अरब कब गया आप, किस सन में गए? मैं 2006 में गया था और 2017 में वापस आया हूँ। अच्छा, 2006 से पहले कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्रायल वगैरह हुए हों, उसमें ट्राई किया हो आपने? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में था और विलेज हमारा लोरा राई है, और वहाँ पे मैंने खेली है हार्ड बॉल, लेकिन स्कूल की तरफ से खेली है, बाकी इतना आगे वो मसाइल नहीं थे कि आगे खेल सकूँ। फिर उसके अलावा इतने वो नहीं थे, जैसे ही स्कूल से फारग हुआ हूँ तो वहाँ पे जाके सऊदी अरब का वीज़ा मिला, वहाँ पे जाके क्रिकेट देखी, वहाँ पे खेली, अच्छी क्रिकेट खेली। तो आगे कितनी, अच्छा ठीक है, आगे बात समझ आ गई। लेकिन सऊदी अरब की कंपनी वगैरह ज्वाइन की उससे पहले, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टैलेंट हंट प्रोग्राम वगैरह होते हैं, या कभी आप माशाल्लाह आपके अखबार में बल्कि नाम आए, और आपकी वो मैं परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाहूँगा कि जिसका अरब न्यूज़ में भी आया हुआ है कि आपने मैं क्या एक बात ठीक ही कहूँगा कि 17 रन देकर 4 विकटें आपने हासिल की, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सबसे ज़्यादा तो वो हमारा एक पाकिस्तानी था कैप्टन शकील अब्बासी नाम है उनका भी, तो उन्होंने मुझे जब पहला मैच खेला तो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, टेनिस की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो थोड़ा थोड़ा मुझे उन्होंने गाइड किया, जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया वैसे ही मैंने लाइन लेंथ पकड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि मैं अटैक कर रहा था फिर अपनी टीम की तरफ से नई बॉल से। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्यों नहीं जा सके? बस यहाँ के हालात ही नहीं है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ये चाहता हूँ कि मुझे मौका मिले तो इंशाल्लाह ज़रूर परफॉर्मेंस करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वजह क्या बनी पाकिस्तान के सफारशी निज़ाम, यानी कि सफारशी निज़ाम भी है और भी कुछ भी नहीं है, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन कोई भी नहीं गया, अच्छी क्रिकेट है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, अब भी यंग प्लेयर्स बहुत हैं, लेकिन कोई भी नहीं वहाँ पे, कौन उनको उठाए, उन पर कौन पिक करे उनको? जी नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में सिर्फ रफ़ीक अब्बासी साहब ही नहीं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनके एक बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं कि हम बड़े होकर क्रिकेटर बने और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट का ढांचा, क्रिकेट का निज़ाम है आज पाकिस्तान के, अब क्रिकेट के हालात देख लें, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालात वगैरह, कभी परफॉर्मेंस बुरी रहती कभी ठीक रहती है, इसकी बुनियादी वजह यह भी कि नए टैलेंट को मौका ना देना, जबकि यहाँ पर PSL एक मौका फ्राहम किया गया, PSL का मौका है, लेकिन जो जैसे नौजवान हैं और बहुत से हमने ऐसे क्रिकेटर भी देखे, जुल्फिकार बाबर की मैं मिसाल ले लूं जो कि लेग स्पिनर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेले, उनको 38 साल की उम्र में मौका दिया गया, तो जो उनकी एक एज होती है अंडर 19 और जो 20 से 21 25 साल की उम्र, उसमें नौजवान को मौका देना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट एक तरफ शौक था, जब आपने पहली मरतबा ये मुर्गियों का काम वगैरह शुरू किया तो तब क्या वो फीलिंग्स थी आपके अंदर कि एक बनना क्रिकेटर था और काम मुर्गियों की दुकान पर कर रहा हूँ? बस वो ये था कि मजबूरी बन गई थी, वो क्रिकेट में भी आगे नहीं जा सका, तो फिर मैंने सोचा कि घर के हालात देख के मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो घर वालों के मशवरे से यानी कि शुरू किया था ये? जी हाँ, बस मजबूरी थी भाई, घर पर पूरा फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ तो इस वजह से फिर ये काम करना मजबूरी थी। ठीक जी, और आगे जो पाकिस्तान आगे जो आइंदा आने वाले ट्रायल वगैरह होगा उसमें मौका मिले तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, अगर दोबारा PCB से कोई या PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई पैगाम देना चाहें आप?
जी इंशाल्लाह मुझे अगर मौका मिले डोमेस्टिक कहीं भी मेरी चेक कर लें, किसी भी क्रिकेट किसी भी मुझे चेक करें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। जी हाँ, अपने प्रोग्राम अपना जो हमारा चैनल है नया पाकिस्तान, इसके तवस्त से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन जैसे और नौजवान हैं और उनको मैं कहूँगा कि इनको अभी भी ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भी ट्रायल लेकर मेरा चेक किया जाए बॉलिंग में बैटिंग में, वन डाउन बैट्समैन भी रहा और मुख्तलिफ अरब यानी कि जितने अरब कंट्रीज थी और डिफरेंट अखबार थे उनमें इनकी परफॉर्मेंसेज के नाम आए और बाकायदा इन्होंने सऊदी अरब में जाकर क्रिकेट खेलना शुरू की और इनका यही कहना है कि मुझे दोबारा से मौका फ्राहम किया जाए ताकि मैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंट कर सकूँ, पाकिस्तान का मुल्क भर में नाम रोशन करूँ। रफ़ीक अब्बासी साहब, आखिर में वीडियो के अहतमाम में कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी शराज तार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आपने मुझसे ये इंटरव्यू लिया ताकि मेरी बात पीटीवी स्पोर्ट तक पहुंच जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच जाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इसका जजाए खैर अता करे। बाकी नसीब की बात है, अगर इंशाल्लाह नसीब में हुआ तो ज़रूर खेलूंगा, इंशाल्लाह मौका मिला तो परफॉर्मेंस भी ज़रूर करूंगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो जो कि आपने अपने यूट्यूब चैनल नया पाकिस्तान में देखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि मोहम्मद रफ़ीक अब्बासी साहब की जो आवाज़ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुँचे ताकि वो मुर्गियों के जो अपना इनका एक पेशा है वो रोज़गार कमाई का जरिए, इनका यही कहना था कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट छोड़कर ये कारोबार करना शुरू किया, तो उनको सपोर्ट कीजिए। और मुल्क में बहुत से ऐसे नौजवान और भी हैं कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन सिफारिश की बुनियाद पर यानी कि पर्ची की बुनियाद पर, और यानी कि अपने लोगों को भर्ती कर देना जो इन जैसा टैलेंट है उनको रिजेक्ट कर देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और जो क्रिकेट के अहदेदारान से यही कहना चाहूँगा, अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें नए नौजवानों को टैलेंट की बुनियाद पर, सिफारिश पर्ची की बुनियाद पर मौका नहीं देना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन ने अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को इजाज़त दी और उसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नया पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह ने के बाद